वॉज क्वाइट एन एक्साइटिंग जर्नी। 2009 से 2019 तक काफी कुछ बदल गया था, तो एक क्विक रिकैप तो बनता है। अभिमन्यु सिंह, इसके एक थप्पड़ ने मुझे पॉलिटिक्स की लत लगाई। He's the one who started it all. कुश लांबा, पॉलिटिक्स में आने के लिए मुझे इसे रिप्लेस करना था। इसकी वजह से ताशी को मरना पड़ा। योगेश कटारिया, ताशी के मर्डर में बेचारा जेल जाते जाते बचा। नीलाक्षी गर्ग, नीलू वॉज माई पार्टनर इन क्राइम इन ऑल ऑफ दिस। धवन, बेचारा नीलू के प्यार का मारा। ग्रीष्मा रावत, मेरे पॉलिटिकल करियर को पुश देने के लिए ग्रीष्मा हैड टू बी यूज्ड राइट। शशांक, ऑनेस्टली इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था मैं, कभी कभी इसकी बीवी को यूज कर लेता था बस। सेवन पीपल, सेवन कलर्स इन अ रेनबो, सेवन सिंस, एंड आउट ऑफ दीस सेवन वन किल मी एंड आई विल फाइंड आउट हु द फक किल मी। जो क्या टाइम पास चल रहा है, अबे चूतिए उससे पूछना शशांक कहाँ है। कभी कभी उसका साथ देते हुए लगता था कि बाहर से जिंदा हो बस, अंदर से मर गए। क्या मेलोड्रामा है, अंदर से मर गई। वी हैड द बेस्ट सेक्स दैट डे, व्हाट अ बिच। याद है मैंने क्या कहा था, सपने और सेक्स अगर अधूरे रह जाएं तो ऑर्गेज्म नहीं। इस बिचारी का भी गर्लफ्रेंड बनने का सपना अधूरा ही रह गया। सर आई नो हमने मर्डर प्लान किया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मुझसे नहीं हो रहा है। यूडी, ओपन जीप में जाना जरूरी है। ये एक जेन्युइन वार्निंग थी, मुझे बचाने का एक जेन्युइन अटेम्प्ट। पर तब ना आपको समझ में आया ना मुझे। पर जब चीफ ने ताशी को अपने हाथों से मारा, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि चीफ का दिमाग खराब हो गया। He just had his own twisted ways. आप कुछ भी कर लो, वो आपको अपने जाल में फंसा ही लेगा, you know? What we've been trying to do here? I mean, there's a protocol that you have to follow. The entourage has assigned that open jeep for him. Why were you asking him to leave it? उस दिन वहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन की स्ट्राइक मैंने अरेंज करवाई। सुधीर सिंह, सुधीर सिंह, सुधीर सिंह। एंड तो ये चूतिया हो गया क्या यूडी? क्या कर रही है? एक्चुअली मैं ही चूतिया था, फालतू की बकचोदी में लगा हुआ। Fuck me. You either aligned with his motive or he ruined you. Actually, UD का दिमाग खराब नहीं था, उसका दिमाग बीमार था। But you guys, you tried to kill the CM of the state, attempt to murder. But वो मरा नहीं। I mean कि वो हमारे तरीके से नहीं मरा। हो सकता है ये सब एक कहानी हो जिसको कि झूठ साबित करना बहुत आसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? Okay, for example, रामायण में भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, ये कहानी है सच मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। ऐसा लोगों का बिलीफ है, विश्वास, और यही विश्वास इंसान को सही और गलत में फैसला करने की हिम्मत देता है। एक्चुअली You are right, Miss Neelakshi girl. हो सकता है वो एक एक्सीडेंट ही हो, because karma is a bitch. I'm done. Thank you guys. Thank you so much for coming. आप लोग जा सकते हैं। Sure, but I mean, we just didn't expect this from you, so. Expect the unexpected. क्या हुआ? आप लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में लग रहे हैं। ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? हर एक चीज की कीमत होती है। Of course.
सी ही इज अ स्मार्ट गाय. रियली बास्टर्ड. मुझे लगा था कम से कम ये तो मेरे खूनी का पता लगाएगा और बदले में मैं इसे उस थप्पड़ के लिए माफ कर दूंगा. हरामी साला, ये भी बिकाऊ निकला. भेंचोर, विल आई एवर गेट टू नो हु द फक किल्ड मी? सब ठीक कर दिया और वैसे भी कल से तो दिन बदलने वाले हैं. सीएम बनने वाला है तू? मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ कि सीएम तुझे बनना चाहिए. तुम्हें उन लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी. सब मैंने किया है धवल. अभिमन्यु को पहली बार यूडी के कमरे में मैंने जानता हूँ. उस रात अभिमन्यु ने तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप किया था. मैं पता था. मेरी जगह तुझे मरना चाहिए था. ना उस दिन मुझे थप्पड़ पड़ता, ना ताशी मरती, ना भैरव और ना मैं. अब तू जी इन सब की मौत के गिल्ट में. यू डिजर्व दिस. Yes, man. I need to talk. Okay. लोगों का जमावड़ा पार्टी ऑफिस के बाहर शुरू हो चुका है. ये लगभग तय हो गया है कि कुश लांबा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाएगा. एक बड़ी खबर ये भी बताई जा रही है कि पार्टी अध्यक्ष डेजी कुश के पक्ष में फैसला लेंगी और जल्द ही डेजी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली है, जहां राज्य के नए सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी. जिसने भी ये किया है, पता नहीं चला है. हम जानते हैं किसने किया है. आप नहीं जानते? आप ही जिम्मेदार हैं हमारे बेटे की मौत की. बचपन से आपने हमारे बेटे को हमारे करीब नहीं आने दिया. वो यही समझता था कि उसकी माँ उसके बाबा पे हमेशा चीट करती थी, पर वो ये जान नहीं पाया कि उसके दादा साहिब उसके असली. सर, केस क्लोज कर दूं? बस एक साइन आउट बाकी है, उसके बाद कॉल करूंगा. बंद कर दियो. सर, ये मसाजर रख दो. इसे ये रखते. जो मेरे बाद आएगा उसके काम आएगा. ये कुर्सी कभी किसी को सीधा बैठने नहीं देगी, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं. फिर एक बार फिर से वही शुरुआत. मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं. कुछ चीजें आधी अधूरी छूट गई थी, उन्हें पूरा करने का अब टाइम आ गया. सर, हेलो सर, तेरा केस अब क्लोज होगा. युद्धवीर का कातिल मिल गया. लोकेशन अभी सेंड कर रहा हूं. पता है युद्धवीर का मर्डरर आज तक क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो उसके केस को खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा था. शॉक ना? जब तक ये यूडी की कहानी थी तब तक इसकी बिगनिंग यूडी के हिसाब से थी, लेकिन अब इस कहानी की बिगनिंग वहां से होगी जहां से मैं बताऊंगा. आज से कुछ साल पहले सीएम भैरवनाथ जी ने एक अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी उठाई थी. उसे पढ़ा लिखा के पुलिस ऑफिसर बनाया था. अब उनके मर्डरर को तो जिंदा नहीं छोड़ सकता था ना मैं.
याद है मैंने ही कहा था ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसता नहीं, फंसाता है। एक्चुअली डागा को केस से ज्यादा मुझ पे भरोसा था, भरोसा उम्मीद जिस पे कहते हैं ना कि भैनचोद ये पूरी दुनिया का है। मैं दुनिया की उम्मीदों का तो पता नहीं लेकिन इसकी उम्मीद मैंने पूरी कर दी थी। सर ये जो मौका वारदात पे एविडेंस मिले थे उसकी एंट्री करनी है। रख दो। मन्नू सर की तरह इसे भी बैक पेन था, कोइंसिडेंस है या? यूडी का मरना उस दिन तय था। एक प्लान तो आप जानते ही हैं जो धवल ने हमें बताया था, लेकिन उसी दिन उसके अलावा एक और प्लान भी बन रहा था। अभिमन्यु बोलिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। Yes, you need to see this. मेरे पास भैरव सर की असली रिपोर्ट है। मैं आकर सब कुछ समझाता हूँ, बस आप किसी से कोई बात मत कीजिएगा। उन्हें पॉइजन दिया गया था। ये पॉइजन दैट इंड्यूसेस कार्डियक अरेस्ट। ये कनेर का फूल है। कनेर का फूल। इट इंड्यूसेस हार्ट अटैक। ये रिपोर्ट्स पब्लिक कर देते हैं। मैं जानता हूं इस तरह से रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है मुझे सस्पेंड भी किया जाए, बट आई डोंट केयर। आई डू अभिमन्यु। किल हिम। मेरे पापा भैरवनाथ चौधरी, आप सबके लिए सीएम भैरवनाथ, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीएम्स ऑफ दिस नेशन। लेकिन वो मेरी दुनिया थी, मेरे पापा माँ सब कुछ। उनके जाने का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जाने के बाद इस वॉइड को मिटाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैंने बहुत सोचा कि पापा के बाद उनकी जगह कौन ले सकता है, फिर लगा सोचने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस पर भरोसा करूं? फिर सोचा किस पर, मतलब आई हिज डॉटर, हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड। अगर मैं किसी और से जिम्मेदारी की उम्मीद रखूंगी तो थोड़ा अनफेयर होगा, राइट? इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी श्री भैरवनाथ चौधरी के सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। मैं इस पार्टी को लीड करूंगी, जान लगा दूंगी मैं इस पार्टी के लिए। रूट लेवल पे काम करना चाहती हूँ मैं। ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। रातों रात सब कुछ बदल नहीं पाऊंगी, एक दिन की सीएम तो हूँ नहीं ना, नायक के अनिल कपूर जैसे। मैं कोई नायक पिक्चर का अनिल कपूर नहीं हूँ कि एक दिन का सीएम बन के फोड़ दिया मैंने। और शायद मुझसे गलतियाँ भी होंगी तो अपना समझ के मुझे बता दीजिएगा प्लीज, हम सब साथ मिलके सीखेंगे। बस इतना ही कहना चाहती थी मैं, एटलीस्ट ट्राई मी। हर चीज का अपना एक रंग होता है, खून का लाल, कोयले का काला है, लेकिन राजनीति, राजनीति का क्या रंग होता है? सफेद, गहरा सफेद, डार्क व्हाइट। पूरा प्लान डेजी का था। वो जानती थी अगर प्लान को कामयाब करना है तो उसका यूडी के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। एडिटोर की क्या बात चल रही है? यदवीर जी जिस रूट से शपथ ग्रहण करने जाने वाले हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने धरना दे दिया। ऐसे कैसे धरना दे दिया? जाकर उठाओ उनको वहाँ से, जाओ। सर दूसरा रूट ले लेते हैं। जो प्रोटोकॉल है डागा उसको फॉलो करो, खाली करवाओ जगह वहाँ से। डबल मैं कह रहा हूँ सीधा इसी रास्ते से। सब कुछ क्लियर है, ये वहीं से जा रहे हैं। सीएम तो बन गए, अब देखना ही है कि पीएम। चीफ,
यूडी के मर्डरर का नाम देना हमारे लिए बहुत सिंपल था। उसके लिए थैंक्स टू यूडी ओनली। ये सब जो वहां खड़े थे ना, उन सबके पास अपने अपने पर्सनल मोटिव थे टू किल हिम। हमें बस एक नाम की चिट निकालनी थी, लेकिन उसकी भी मेहनत बच गई, क्योंकि शार्प शूटर के पकड़े जाने के बाद धवल का नाम अपने आप ऊपर आ गया था। लेकिन फिर धवल ने चौंका दिया और मालूम चला साले सबके सब हरामी थे, इसलिए सबको छोड़ना पड़ा ताकि एक को पकड़ा जा सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कुश लांबा जो सीएम रेस में सबसे आगे थे और युद्धवीर सिंह के काफी करीबी दोस्त थे, युद्धवीर सिंह हत्याकांड में उन्हीं का नाम आ गया है और वही है युद्धवीर सिंह के हत्यारे, जो आने वाले दिनों में सीएम डेजी के लिए खतरा बन सकता था। Cheers to Daisy. आज मुझे अपने मरने का थोड़ा कम दुख हो रहा है। My choice, my happy meal was as poisonous as कनेर का फूल। I never thought I'll become a player in her game. Well, she's learned from the best. कुछ भी कहो, स्टेट को मिला तो यंगेस्ट सीएम। कर रहूं सामने देख जमीन सरकती जाए।